आपकी अनबॉक्सिंग में आपका स्वागत है। तो जिस कार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है JZL सुपर स्पीड हाई स्पीड कार। क्लाइंबर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, ड्रिफ्ट स्टंट कॉन्कर ऑल काइंड ऑफ रोड्स हाई स्पीड ड्रिफ्टर क्लाइंबर व्हीकल, न जाने क्या क्या लिखा हुआ है इस कार के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम गंवाए इस कार के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करती है और किस तरह की डिफरेंट कार है ये। तो चलिए जल्दी से दोस्तों आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इस अनबॉक्सिंग में आपका स्वागत है। तो आइए, जिस कार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ड्रिफ्ट स्टंट हाई स्पीड ड्रिफ्टर क्लाइंबर व्हीकल। अरे कैसा नाम रखा हुआ है ये। तो आप देख ही सकते हैं ये दो कलर में, रेड कलर और ब्लू कलर में मिलती है, और इसके पहिए अगर आप देखेंगे तो कुछ डिफरेंट टाइप के पहिए हैं। तो और 6 साल से बड़े बच्चों के लिए है, इसमें लाइट भी है, ड्रिफ्टर भी है, यूनिवर्सल व्हील है। ये यूनिवर्सल व्हील भी हम देखेंगे कि किस तरह के यूनिवर्सल व्हील होते हैं और ये कैसे काम करते हैं ये भी देखेंगे। चलो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। ये थर चलो निकालो इसको। वाह, आराम से धीरे से निकालो, इतनी जल्दी नहीं, फटाफट निकालो। वाह, देखिए कितनी सुंदर कार है, रेड कलर में कितनी सुंदर लग रही है। और ये इसका रिमोट है, कार है ये था। तो रिमोट निकालो जरा, यहाँ रखो सामने रखो। वाह, ये रिमोट है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये रिमोट में ये आगे पीछे करने का बटन है, और ये लेफ्ट और राइट में ले जाने के लिए है, और इसमें पीछे सेल डालने की जगह है ये। तो इसमें दो AA बैटरीज डलेंगी इसमें रिमोट में। और आइए अब कार के बारे में देखते हैं। तो ये है दोस्तों कार, कितनी सुंदर है देखने में। और ये इसके यूनिवर्सल व्हील हैं, अगर आप जैसा कि देख ही सकते हैं ये जो व्हील हैं ये ऐसे घूमते हैं। तो ये जब टायर चलते हैं तो ये ऐसे घूमते हैं, तो इससे लेफ्ट में फोर्स, राइट में फोर्स, और इधर भी अगर ये ऐसे चलेगा पीछे की तरफ घूमेगा तो इधर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अगर ले वाला टायर जो है अगर हम घुमाएंगे तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से ये वाला है, इसको अगर आगे घुमाएंगे तो इसका स्लोप इधर है तो इधर जाने की कोशिश करेगा, और इसका स्लोप इधर है तो इधर जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये चारों टायर इसके एक साथ चलते हैं तो ये सीधी चलेगी। अगर इसके दो का कॉम्बिनेशन हम चलाएंगे, दो ये कॉम्बिनेशन चलाएंगे तो ये लेफ्ट की तरफ ऐसे जाएगी, और ये दो कॉम्बिनेशन चलाएंगे तो ये ऐसे पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ जाएगी। इसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन से हम चला सकते हैं। अगर आगे चलाएं और लेफ्ट वाला बटन दबाए जाएं तो ऐसे जाएगा, आगे चलाएं और राइट वाला बटन दबाएं ऐसे चलाएं, लेफ्ट पीछे का बटन दबाएं और लेफ्ट का दबाएं साथ में तो इधर जाएगी। कई तरीके से चलती है, तो इसीलिए इसके ये व्हील जो है यूनिवर्सल व्हील हैं। तो चाहिए अब फटाफट देखते हैं कि ये कैसे चलती है। यथार्थ आगे चला के दिखाओ इसको, इसका बटन पहले ऑन, पहले देखते हैं कि इसमें ये पीछे बटन है। जैसे ही हमने बटन ऑन किया इसकी लाइट जल गई, और यहाँ पे इसमें जो है पीछे की तरफ यहाँ पे एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसको बार बार निकाल के आपको चार्ज करना पड़ेगा। 700 mAh की बैटरी है, तो 2-3 घंटे चल जाती है, 2 घंटे मुश्किल से चलती है, 1 घंटा ही चलेगी बल्कि अगर आप कंटिन्यूस चला रहे हैं तो फिर आपको रिचार्ज करनी पड़ेगी। तो ये था, चलाओ देखो आगे आप कितने बढ़िया तरीके से जा रही है, कितने सुंदर तरीके से आगे जा रही है। ये बैक चलाया, अभी लेफ्ट चला के दिखाओ, देखो ये राइट जा रही है, अभी लेफ्ट। वाह, कितनी सुंदर है ना, कितनी अच्छी लग रही है। अभी ये देखो इतनी तेज जा रही है, बड़ी फास्ट चलती है। अरे वाह, कहाँ चली गई, वापस लेके आओ। वो देखो कैसे स्लाइड कर रही है, ग्लाइड कर रही है। लेके आओ, पीछे लेके आओ। अरे कहाँ चली गई, मैं लेके वही जाता हूँ। अरे ये आई, लेके आओ वापस। देखो ये, वाह साइड में चल रही है। अरे, देखो कितनी बढ़िया तरीके से साइड में चल रही है। तो देखिए किस तरह से आगे पीछे चल रही है, आगे जा रही है। ओए ओए कहाँ घुस गई, निकालो। देखिए किस तरह से लेफ्ट साइड में जा रही है, और ये राइट साइड में, ये देखिए लेफ्ट साइड में जा रही है अभी। तो दोस्तों अभी इसको हाथ में लेके देखते हैं कि किस साइड में ये जाएगी। देखिए अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चारों पहिए घूमे हैं, आगे जाते हैं तो ये जब ये दो पहियों का कॉम्बिनेशन घूमता है, अगर इसको आगे और लेफ्ट में घुमा चलाते हैं
तो ये इस तरह से चलते हैं लेफ्ट, जे वाले तो ये लेफ्ट में 45 डिग्री पे जाएगी, अगर दो राइट वाले कॉम्बिनेशन चलेगा तो राइट में 45 डिग्री पे जाएगी। ये था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपकी अनबॉक्सिंग के साथ।